गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि-कोटि नमन, आप सभी को प्रणाम। गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने का आदेश देते हैं, वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की ही महिमा अधिक है। जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे सत्य का डर नहीं लगता, सदा निर्भय रहता है। उसे शरीर का तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह भी नहीं रहता। फलस्वरूप जिन असाधारण हानि लाभों के लिए लोग बेतहाशा बेतरह दुख के समुद्र में डूबते हैं, हर्ष के मद में उछलते फिरते हैं, उन उन्मादों से ऐसा मनुष्य बच जाता है। दूसरा गुण शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन अधिक स्वस्थ, बुद्धिमान, विद्वान, धनी, सहयोग संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं, उनसे वो बचा रहता है और शक्ति संपन्नता के कारण जीवन के नाना विषय आनंदों को स्वयं भोगता है एवं अपनी शक्ति द्वारा दुर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनीति वही पनपती है जहाँ शक्ति का संतुलन नहीं होता। शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है अनीति का अंत, जो कि सभी के लिए कल्याणकारी है। यज्ञोपवीत का तीसरा गुण है श्रेष्ठता में जीना। श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं, विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपन्नता में बड़े बड़े हैं, परंतु लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं, उन्हें निकृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निकृष्ट अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में और दूसरे गंभीर विवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीच श्रेणी के ठहरते हैं। अपनी नीचता के दंड स्वरूप आत्मताड़न, ईश्वरीय दंड और बुद्धि श्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब हो, साधनहीन हो, पर उसका आदर्श, सिद्धांत, उद्देश्य, अंतःकरण यदि उच्च तथा उदार हैं, तो वो श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। ये श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का उद्भव करती है जो बड़े से बड़ी सांसारिक संपदा से भी संभव नहीं। यज्ञोपवीत के चौथे गुण के रूप में हमें निर्मलता प्राप्त होती है। निर्मलता का अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वो वस्तु है जिसे मनुष्य नहीं, पशु पक्षी और कीट पतंग तक पसंद करते हैं। ये निश्चित है कि क्रूरता का कारण गंदगी है। मलिनता जहाँ कहीं भी होगी, वहाँ क्रूरता रहेगी और वहाँ से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमजोर और बीमार रहेगा। इसी तरह कपड़े, भोजन, त्वचा, बाल आदि में गंदगी होगी तो वो घृणास्पद, अस्वास्थ्यकारक, निकृष्ट एवं निंदनीय बन जाएंगे। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या है। इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय है सर्वतोमुखी निर्मलता, जो भीतर बाहर सबोर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचारधारा, देहवाणी, पोशाक, झोपड़ी, सामग्री सब निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। वो सब प्रकार से शुद्ध, प्रसन्न, प्रफुल्लित, मृदुल एवं संतुष्ट दिखाई देता है। यज्ञोपवीत का पांचवा गुण दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजातीय पदार्थ को अपनी ओर खींचता है और उन्हीं की ओर खुद खींचता है। जिनका दृष्टिकोण संसार की अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है, वो चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखता है। लोगों के उपकार, भलमनसाहत,
सेवा भाव, सहयोग और सत्कारियों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाइयाँ अधिक हैं और संसार हमारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आँखों पर जिस रंग का चश्मा लगा लिया जाए उसी रंग की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है उनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है, पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वे प्रभु की इस परम पुनीत फुलवाड़ी में सर्वत्र आनंद ही आनंद देखते हैं। यज्ञोपवीत का छठा गुण सद्गुण है। सद्गुण अपने में अच्छी आदतें, अच्छी योग्यताएं, अच्छी विशेषताएं धारण करना सद्गुण कहलाता है। विनय, नम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय की पाबंदी, नियमितता, मितव्ययता, मर्यादित रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुख मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, ये सब सद्गुण हैं। कला, शिल्प, संगीत, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण, ये सारे सद्गुण हैं। इस प्रकार के सद्गुण जिसके पास हैं वो आनंदमय जीवन बिताएगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। सातवां गुण है विवेक। विवेक एक प्रकार का आत्मिक प्रकाश है जिसके द्वारा सत्य असत्य की, उचित अनुचित की, आवश्यक अनावश्यक की, हानि लाभ की परीक्षा होती है। संसार में असंख्य परस्पर विरोधी मान्यताएं, रीति रिवाज, विचारधाराएं प्रचलित हैं और उनमें से एक एक के पीछे कुछ आधार, कुछ उदाहरण, कुछ पुस्तकें, कुछ महापुरुषों के नाम अवश्य संबंधित होते हैं। ऐसी दशा में ये निर्णय करना कि इस परस्पर विरोधी बातों में से सही कौन है, किसे अपनाना है, किसे छोड़ना है, इस संबंध में देश, काल, परिस्थिति आदि का ध्यान रखते हुए सद्बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है वही प्रामाणिक एवं ग्राह होता है। जिसने उचित निर्णय कर लिया तो समझिए कि उसने सरलतापूर्वक सुख शांति के लक्ष्य तक पहुंचने की सीधी राह पकड़ ली। संसार में अधिकांश कलह, क्लेश, पाप एवं दुखों के कारण दुर्बुद्धि, भ्रम और अज्ञान हो गया है। विवेकवान व्यक्ति इन सब उलझनों में अनायास ही इनसे बच जाते हैं। आठवां सद्गुण संयम प्राप्त होता है। जीवनी शक्ति का, विचार शक्ति का, भोग इच्छा का, श्रम का संतुलन ठीक रखना ही संयम है। ना इनको घटने देना, ना नष्ट निष्क्रिय होने देना और ना अनुचित मार्ग में व्यय होते देना संयम का तात्पर्य है। मानव शरीर आश्चर्यजनक शक्तियों का केंद्र है। यदि उन शक्तियों का अपव्यय रोककर उपयोगी दिशा में लगाया जाए तो अनेक आश्चर्यजनक सफलताएं मिल सकती हैं और जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति हो सकती है। नौवां सद्गुण है सेवा। सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उन्नति की ओर, सुविधा की ओर, किसी को बढ़ाना, ये उसकी सबसे बड़ी सेवा है। इस दिशा में हमारा शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक हमारी सेवा का पात्र है क्योंकि वो हमारे सबसे अधिक निकट है। आमतौर से दान देना, समय देना या बिना मूल्य अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति किसी को दे देना सेवा कहा जाता है। हम दूसरों की इस प्रकार सेवा करें जो उत्साह, आत्मनिर्भीकता और क्रियाशीलता को सतेज करने में सहायक हो। सेवा का फल है उन्नति। कहते हैं जिसके पास 9 रत्न होते हैं वे सर्व सुखी समझे जाते हैं, पर भारतीय धर्म शास्त्र कहता है कि जिनके पास यज्ञोपवीत और गायत्री मिश्रित आध्यात्मिक 9 रत्न हैं वे इस भूतल के कुबेर हैं। भले ही उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद ना हो, ये 9 रत्न मंडित कल्पवृक्ष जिसके पास है वो विवेकयुक्त यज्ञोपवीतधारी सदा सुरलोक की संपदा भोगता है। उसके लिए ये भूलोक स्वर्ग है। वो कल्पवृक्ष हमें 4 फल देता है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों संपदाओं से हमें परिपूर्ण कर देता है। आज के लिए इतना ही।